हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन रूल्स की और देखेंगे कि आप अगर इसको फॉलो करें तो आपके फोटोज़ किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस कंपोजिशन रूल की मैं बात करने वाला हूँ वो है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी, वहाँ पर मैंने आपको रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर फिर से मैं रूल ऑफ थर्ड्स की जो महत्वता है वो आपको फिर से बताना चाहता हूँ। रूल ऑफ थर्ड्स फोटोग्राफी में कंपोजिशन का एक बहुत बेसिक रूल होता है और इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो 85-90% टाइम आपके फोटोज़ बहुत ही बेहतर आएंगे। तो आइए अब समझ लेते हैं कि रूल ऑफ थर्ड्स होता क्या है। रूल ऑफ थर्ड्स फोटोग्राफी के उस रूल को बोला जाता है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आप फोटो ले रहे हैं उसको आप अपने फ्रेम के 1/3 पार्ट में अगर रखेंगे तो आपका जो फोटो का ओवरऑल कंपोजिशन होगा वो बेहतर होगा। बहुत बार जब भी हम किसी का फ़ोटो ले रहे हैं तो हमारी आदत होती है उनको फ्रेम के बीच में रखने की। तो अगर आप किसी को फ्रेम के बीच में ना रख के या तो राइट के 1/3 पार्ट में रखें या लेफ़्ट के 1/3 पार्ट में रखें तो आपका फ़ोटो आप देखिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे रूल्स और भी बहुत सारे चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं या आप किसी भी कंपोजिशन के बारे में सोच रहे हैं और फ़ोटो बहुत ही बेहतर लेना चाहते हैं तो पहला जो आपका स्टेप है, जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो है रूल ऑफ थर्ड। और इसको अगर आप हर बार फॉलो करेंगे तो आपके फ़ोटोज़ बहुत ही बेहतर आएंगे। इसके बाद हम एक कंपोजिशन के रूल पे आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है लेकिन हम सबको ध्यान रखना चाहिए, वो है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन स्पायरल। गोल्डन ट्रायंगल फोटोग्राफी में एक ऐसा कंपोजिशन होता है जिसमें आप लैंडस्केप फ़ोटोज़ को जनरली कंपोज कर सकते हैं और हर बार आप देख सकेंगे कि आपका जो फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा ही बेहतर निकल के आएगा। अब गोल्डन ट्रायंगल में जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोटो है वो सबसे पहले तो डायगोनली डिवाइड होता है, फिर डायगोनली डिवाइड होने के बाद तो अगर आप किसी भी ऑपोजिट पॉइंट से उस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री पर लाइन बनाएंगे तो ये जो पार्ट आता है ये आपका गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। तो जैसा कि आप इस रूल के हिसाब से देख सकते हैं आपके पास 3 ट्रायंगल आ गए। और लैंडस्केप फोटोग्राफी में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को या मेन जिस चीज़ के ऊपर फोकस डालना चाहते हैं उसको अगर इन 3 ट्रायंगल्स के ऊपर रखें और बाकी जगह को आइसोलेट करें तो आपका जो फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा ही बेहतर निकल के आएगा। ऐसे ही गोल्डन स्पायरल जो है वो फोटोग्राफी में एक बहुत जाना पहचाना कंपोजिशन का रूल है और इसमें आप स्पायरल के एकदम सेंटर पर अगर किसी भी इंसान का चेहरा अगर रखें तो आपके जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो जाएंगे और आपको बहुत बेहतर इमेज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि गोल्डन स्पायरल का यूज़ आप किसी भी टाइप के फोटोग्राफी में कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा कंपोजिशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आप नॉर्मल आई लेवल से अगर फ़ोटो ले रहे हैं तो आपका फ़ोटो उतना बेहतर नहीं दिख रहा हो तो आपको नीचे झुकना पड़ेगा या थोड़ा हाइट से लेना पड़ेगा, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इन रूल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके बाद जिस कंपोजिशन के रूल की मैं आपको बात करना चाहता हूँ वो फोटोग्राफी में बहुत ही ज़रूरी कंपोजिशन का रूल है और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडिंग लाइंस की। बहुत बार ऑनलाइन या बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा कि जब भी आप कोई फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको लीडिंग लाइंस पे ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं लीडिंग लाइंस होता क्या है। देखिए, जैसा कि आप सब ने ताजमहल का फ़ोटो देखा होगा तो हम सबको एक चीज़ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि आप सोचिए अगर ताजमहल जो है अगर आप उसका फ़ोटो ले रहे हैं और उसके नीचे जो पानी के फव्वारे हैं अगर आप उनके फ़ोटोज़ ना लें तो वो फ़ोटो आपको एकदम अधूरा लगेगा। लेकिन ताजमहल का जो फ़ोटो हम सब ने देखा है उसमें जो नीचे फव्वारे हैं, जो पानी है, वो ताजमहल तक जा रहा है। तो हम सबको पता हो या ना पता हो लेकिन ये सब लीडिंग लाइन्स हैं। बहुत से फ़ोटोज़ आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पर बहुत सी लाइन्स हैं जो आपको आपके मेन फ़ोटो के जो आकर्षण है उस तक ले जाता है। तो ऐसे ही ताजमहल के फ़ोटो में आपके जो फव्वारे हैं नीचे वो लीडिंग लाइंस का काम करते हैं और वो एक तरीके से आपको वेलकम करते हैं ताजमहल की तरफ। तो इसीलिए आप देखिए कि ताजमहल के फ़ोटोज़ एकदम ही आपको अलग दिखेंगे और दुनिया के बहुत सी जगहों पे बहुत से मोन्यूमेंट्स के आपने फ़ोटोज़ खींचे होंगे लेकिन इसकी एक अलग ही बात होती है, वो सिंपल कंपोजिशन के रूल्स के वजह से और लीडिंग लाइंस के वजह से। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि लीडिंग लाइंस का फोटोग्राफी में कितना ज़रूरत होती है और इसको सोच समझ के अगर आप यूज़ करें तो आपके फ़ोटोज़ बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि हर बार ज़रूरी नहीं आप जिस जगह पे गए वहाँ पे ताजमहल की तरह लीडिंग लाइंस हों।
तो ऐसी जगह पे आपको लीडिंग लाइंस ढूंढनी पड़ेंगी और आपको उन फोटोज में लीडिंग लाइंस का इस्तेमाल करके आपको अपने फोटोज लेने पड़ेंगे। लीडिंग लाइंस के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लीडिंग लाइंस किस तरीके से यूज होती हैं, किस टाइप के लेंसेज से आप लीडिंग लाइंस को सबसे बेहतर खींच सकते हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। अब जिस कंपोजिशन के रूल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी होता है और वो है सिमेट्री। जब भी आप किसी मॉन्यूमेंट का फ़ोटो खींच रहे हैं या किसी ऐसे आर्किटेक्चर का फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखनी चाहिए कि सिमेट्री किसी भी बिल्डिंग के या किसी भी जगह की एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब नेचर के हिसाब से आप देखें तो वहाँ पे भी सिमेट्री बहुत है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि आप उसको किस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। सिमेट्री में जनरली आपको किसी भी चीज़ को रिपीटेटिव जो है उसको आपको अच्छे से कैप्चर करना है, जिससे कि फ़ोटो इस तरीके से लगे कि वो सेंटर से डिवाइडेड है। मतलब जैसे कि आप, फिर से मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ताजमहल का फ़ोटो आप लेफ्ट से देखिए या राइट से देखिए, ताजमहल एक जैसे ही दिखता है। तो ओवरऑल जो ताजमहल की या किसी भी कंस्ट्रक्शन की, आर्किटेक्चर की जो सिमेट्री है वो किसी भी फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अगर आप डिटेल्स कैप्चर करें तो वो बहुत ज़्यादा ही बेहतर आएंगे और आपकी फ़ोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो बस यही थे कुछ कंपोजिशन के रूल्स जो आपकी फ़ोटोग्राफी में आपको मदद देंगे। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसके बारे में मैं अपने आगे की वीडियो में आपके बताऊंगा। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कंपोजिशन के रूल्स के बारे में समझने में कुछ मदद मिली हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।